हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह मॉर्निंग है। पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ सुबह से, बिकॉज हम जा रहे हैं हल्द्वानी। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं थोड़ा चाय पी रहा हूँ और अनु भी तैयार हो गया है लगभग। तो गाइस, हम जा रहे हैं स्कूटी में। पहले एक चक्कर हम जाएंगे मार्केट, कुछ काम है थोड़ा सा, उसके बाद हम निकलते हैं। अभी बजे टाइम 7:30 हो गए, तो चल पड़ते हैं अभी थोड़ा देर में। हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी में। तो गाइस, स्कूटी का भी थोड़ा काम कराना है इसलिए। तो गाइस, मिलते हैं अभी आपको रास्ते में। और गाइस, हल्द्वानी में जाके पहले तो सौरभ जोशी से मिलना है। बिग फैन हूँ मैं उनका। तो क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मुझे वो फिर भी वो अच्छे लगते हैं। वो अपना फैमिली व्लॉग बनाते हैं, तो मुझे मतलब काफी अच्छा लगता है कि मतलब अपनी फैमिली से कितने प्यार करते हैं मतलब। तो गाइस, इसीलिए मुझे मतलब मैं सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो गाइस, हम आज जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी, तो सौरभ जोशी से मिलूंगा। हो सके तो भाभी भैया से मिलूंगा मैं, स्काई डक जाके दिखेंगे। तो गाइस, जैसा भी होगा मैं आपको वहां दिखाऊंगा हल्द्वानी में। मैं मिल पाता हूँ कि नहीं मिल पाता हूँ तो आप खुद देखना। वैसे कोशिश करूंगा फुल मैं उनसे मिलूं, जो उनका नया घर बन रहा है वहां भी जा सकता हूँ मैं। तो गाइस, वहां जाके घूमेंगे, जो भी करेंगे एंजॉय करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस, आज मैं चाय पीता हूँ फिर चलता हूँ। चुके हैं पिथौरागढ़। अभी पिथौरागढ़ पहुंचे, हल्द्वानी नहीं पहुंचे। अभी हम जा रहे हैं अपने भाई के लिए रूम पे। तो आज हम यहीं कर रहे हैं नाश्ता, और हम हमारे लिए बना रहे हैं अंडा मैगी। और ये हम पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं बस पिथौरागढ़, और यहाँ आने में 3.5 घंटा लगा। केड़ी भाई है। पहुंचे हैं केड़ी भाई के रूम पे, और यहाँ हम कर रहे नाश्ता, मैगी और अंडा दोनों साथ में बना दिया इसने। एकदम मतलब बात जैसा लगा बात। हेलो, और देखते कितना टेस्टी है। वैसे बाहर जी टेस्टी बनाते हैं ना केड़ी भाई। शेफ है, शेफ घर में खाना ये बना रहता है शेफ। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग खा के, उसके बाद अब लेट भी बहुत हो गया। हम सुबह से जाते हैं हल्द्वानी के, निकलते हैं। अभी तक राइड कर रहा था मैं, बहुत ठंडा हो रहा है मुझे। अब इसके बाद करेगा अनु राइड, जब वो थकेगा तब मैं करूंगा। चेंज करते रहेंगे हम, दोनों भाई राइडर है। तो भाई गाइस, फाइनली खा लिया हमने, और बटन में दे दिया हमने कीड़ी को। और गाइस, अब जा रहे हैं हम, बहुत लेट हो गए हैं। अनु चलते हैं यार। कीड़ी के वहां आ गया, हमने नाश्ता आशा किया, मजा आ गया भाई। बहुत ठंडा हो गया गाइस, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया। चल भैया, चलते हैं, जल्दी करना अनु, बहुत भाई लेट, रात को पहुंचेंगे हम। और ये है कीड़ी भाई का रूम है, ये बेड है उसका, बहुत जाना माना बेड है। ये वाला बेड ही बहुत जाना माना है कीड़ी का बेड। पिथौरागढ़ है भाई ये, पिथौरागढ़। यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं होती। हल्द्वानी भी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, तो चलते हैं भाई। सो गाइस, अब निकलते हैं हम, और रेडी और कीड़ी भाई चलिए आ रहे। चलो फिर निकलते हैं, मिलो मिलो।
ओके हाँ तेरी भाई रोने लग गया तो अच्छा मेरा लड़का मेरा लड़का छोड़ के जा रहा मेरे लड़के को तो गाइस यहाँ बाप बेटे का जुदाई हो गया चलो जुदाई बोला मैंने कुछ और जुदाई चलो भाई गाइस मिलते हैं सो गाइस हम निकल गए पिथौरागढ़ से अभी हम पहुंचे हैं धनिया और हमने यहाँ लंच कर रहे हैं हम मैंने तो खा लिया और अभी छोटा खा रहे हैं तो गाइस धनिया में सबसे फेमस होटल यही है सबसे बड़ा होटल तो आपको अभी दिखाता हूँ मैं होटल के बैकग्राउंड यानी पीछे से नज़ारा दिखाता हूँ कि नमस्ते दिखता है तो चलिए एक बार दिखाता हूँ आपको मैं नज़ारा तो गाइस ये पूरा इलाका है धनिया देखिए पूरा इलाका है धनिया यहाँ से नजारा देखिए और यहाँ से नीचे वो देखिए कितना डाउन है तो अब चलते हैं तो गाइस अब चलते हैं और ये हमारी स्कूटी गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी बड़ी मम्मी के घर तो अभी हम बैठे हैं नमन टीना मेकअप भी नहीं कर रखा है अबे खर्चा तो गाइस बहुत सर दर्द हो रहा है मेरा तो और हम 12 बजे पिथौरागढ़ से 12 बजे उसके बाद पिथौरागढ़ से हम सीधे हल्द्वानी 6 बजे पहुंच गए हम पहुंचने वाले थे 8 बजे तो हमने 2 घंटे का लेट किया पूरा 2 घंटे का लेट हमारी बहन टीना कह रहे थे वहां से इतने में आप 6 बजे मतलब 8 बजे पहुंचोगे कह रहे थे हमने पूरा 2 घंटे का लेट किया मतलब इतना स्पीड में है ना इतना स्पीड में अब कैसे बताओ मैं यकीन कैसे करोगे आप स्कूटी का धुआं निकल रहा है धुआं इतना भयंकर स्पीड में तो गाइस अब कल या परसों स्कूटी का काम भी कराना है उसके बाद उसके बाद सौरभ जोशी से मिलने जाना है और देखेंगे सौरभ जोशी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं स्काई डक जाएंगे हम सौरभ जोशी जहाँ घर बन रहा है वहाँ भी जाएंगे तो सौरभ जोशी मिल के आएंगे तो गाइस बने रहे मेरे व्लॉग में अभी खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर में वो भी आपको दिखाऊंगा और गाइस तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अभी थोड़ा फ्रेश होता हूँ हाथ मुंह धोता हूँ क्योंकि और सर दर्द हो रहा है तो गाइस बाय बाय तो गाइस यहाँ आती है छोटा छोटा पप्पी पप्पी ये देखिए ये जैसे कि मुझे पहचान ले वैसे कर रहे हैं और दो है देखी ना दिखाई ये मैंने मेकअप नहीं किया है ये एक है और ये एक है और वो एक है वो सामने खाना आना खा के अब हम सो रहे हैं तो गाइस मैं करता हूँ ब्लॉगिंग एंडिंग तो खाना आना खा लिया सब सो गए हैं हम नहीं सोए हैं मम्मी लोग तो सो गए हैं बगल से तो हम एक रूम पे है तो गाइस हम 3 भाई हैं तो ये तो लेट गए हैं गुड नाइट गाइस गुड नाइट गुड नाइट गाइस हम मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सौरभ जैसे मिलने का बहुत मतलब मन हो रहा है अब मगर वो दुबई गए हैं कोई बात नहीं आएंगे मिलेंगे देखते हैं मिल पाता हूँ कि नहीं गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गाइस अब कल मॉर्निंग नया व्लॉग स्टार्ट होता है हल्द्वानी में।